हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो शाम को एक जगह जाने जा रहा हूँ, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। मेरे को तो वो जगह बड़ी प्यारी लगती है। अब आपको कैसे लगती है आप वीडियो में देख के बताइएगा। तो अभी तो ऐसे ही हूँ, अभी चलते हैं शाम को, फिर मिलते हैं वहीं पे। सीधा मैं सोच लूँ उसी जगह पे मिलते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं शाम को। मैंने सोचा कि पहले चलने से पहले कुछ खा भी ले जाए। तो अभी कुछ बनाने जा रहा हूँ, दिखाता हूँ अभी आपको क्या बना रहा हूँ, फिर खाते पीते हैं, फिर चलते। वैसे नहा धो के तैयार हो गया, देखिए पूरा एकदम तैयार हो गया। पहले बनाते हैं, खाते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। हाँ, जिनको ये लग रहा है ना कि भाई स्वेटर पहना है तो नहाया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखो पूरा चेंज है। फिर ये सोचा कि नहाया नहीं है भाई, मुँह धो के आ गया, पूरा नहा गया। उसका रीज़न क्या है कि आज मैंने कपड़े धुले हुए हैं, दिखाता हूँ। अभी कपड़े धुले हुए हैं ना, इस वजह से स्वेटर वही डाल रखा। अभी दिखाता हूँ, फिर देखना। तो कोई ये जज मत करिएगा कि मतलब वही कपड़े पहन, मतलब नहाया नहाया है, बस कपड़े वही है, ठीक है। पहले मटर छील लें, फिर आगे का बताते हैं कि क्या बनने जा रहा है। वैसे गाइस अकेले रहने का फायदा भी है और नुकसान भी है। बनाने जा रहे सफोला ओट्स, ठीक है, क्योंकि आज मंडे है, छुट्टी है, तो आज कुछ लाइट ही खाना होना है, तो इस वजह से बनाने जा रहे सफोला ओट्स। ये गया अपना तेल, अभी आगे का भी प्रोसेस देखो। अभी तेल डाल दिया, अभी आगे का भी प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे है। अकेले में दिखाने में तो वो ही होता है, इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, इधर से बेस्ट है। प्याज बढ़ गया, मसाला बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया है। अब बारी है पैकेट खोलने की, पैकेट खोलते हैं फिर उसको भी डालते हैं इसमें। अपना ओट्स तो बन के तैयार हो गया, ये देखिए पूरा। अपने यहाँ थोड़ा सूखी खाते हैं, इसमें थोड़ा सा गीला है, लेकिन कोई नहीं, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, कोई बात नहीं। चलिए पहले सर्व करते हैं, फिर मिलते हैं आगे खाने के टाइम।
ये हो गया दीदी का, दीदी को देख के आता हूँ फिर अपना निकालता हूँ। तो चलो अभी खाता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे सीधा बाहर जब यहाँ से चल रहा हूँ मैं। ठीक है चलिए मिलते हैं। घर से तो निकल गया हूँ अभी आगे जा रहा हूँ। थोड़ा यहाँ फोन वाला सिस्टम थोड़ा है कि मतलब चलते वक्त निकाल लेते हैं इस वजह से, ज़्यादा नहीं थोड़ा रास्ते का दिखाऊंगा बस। ठीक है अभी घर से निकला ही हूँ। छुट्टी का दिन पता ही नहीं चलता कि छुट्टी कब ख़त्म हो गई। देखिए सुबह उठा सारा काम हुआ उसके बाद क्या हुआ, बस अब जा रहा हूँ दिखाने के लिए लेकिन पूरा टाइम ही कम पड़ गया। छुट्टी का दिन समझ में नहीं आता कितनी जल्दी बीत जाता है ना। फाइनली पहुंच तो गए हैं, अभी आगे चल के दिखाऊंगा मतलब पूरा। अभी एकदम मेरे तो सामने ही है, मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ।
लगी तो हमने तो टोपी पहन ली। तो सोचा गुरुद्वारे को अंदर से तो दिखाई दिया था, बाहर से भी दिखा देता हूँ। अभी हाईवे पे आया हूँ, ये देखिए हाईवे पे आया हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ गुरुद्वारे को बाहर से। लोग देखिएगा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको गुरुद्वारे की अच्छी लगी होगी। आगे चल के भी मैं और भी वीडियो लेते लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी जा रहा हूँ घर। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।